अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, करंट टीवी न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं आपका दोस्त शेख यूसुफ। आइए नजर डालते हैं आज की खबर पर। तेलंगाना स्टेट में 204 माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स सक्सेसफुली चल रहे हैं। बहुत लंबे टाइम के बाद ये पैंडमिक की वजह से स्कूल्स क्लोज थे। अभी रिसेंटली हम जूनियर कॉलेजेस, स्कूल्स, पूरे स्कूल्स, माइनॉरिटी स्कूल्स रीओपन कर रहे हैं। बच्चे भी धीरे धीरे से आ रहे हैं, बहुत अच्छा अटेंडेंस है। जो भी हमारे स्कूल्स में COVID-19 का प्रोटोकॉल भी हम स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। ये साल 120 स्कूल्स भी हम जूनियर कॉलेज को अपग्रेड कर रहे हैं। जूनियर कॉलेजेस भी रीओपन हो गए हैं माशाल्लाह। ये स्कूल्स में अच्छा सा तालीम दिया जा रहा है, अच्छा सा खाना हम बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं। हेल्थ के बारे में भी स्पेशली पैंडेमिक में हम हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन से, एक एनजीओ से टाई अप करके बच्चों का COVID-19 प्रोटोकॉल के हिसाब से हम ये स्कूल्स में हम सोशल डिस्टेंसिंग ढंग, आइसोलेशन रूम्स हैं, ऑल दी मेडिसिन हैं हमारे स्कूल्स में। हर स्कूल्स में स्टाफ नर्सेस का अरेंजमेंट्स दिया जा रहा है हमारे स्कूल्स में। हमारा स्कूल सेफ एंड सिक्योर है। एंड जो हमारे पेरेंट्स को भी मैं गुजारिश करता हूँ, बच्चों को विदाउट फियर, जो भी डर नहीं से बच्चों को माइनॉरिटी स्कूल्स में भिजाने के लिए मैं गुजारिश करता हूँ। सर आगे फ्यूचर, अभी तक फिलहाल 204 स्कूल स्टार्ट करें इनिशियली, बाद में अभी हमारे चीफ मिनिस्टर साहब उसको जूनियर कॉलेजेस अपग्रेड करने के लिए भी परमिशन दिए हैं। इंशाल्लाह फ्यूचर में अगर गवर्नमेंट से हम रिक्वेस्ट करके डिग्री कॉलेजेस के लिए भी हम कोशिश करेंगे। ओ दैट पेंडिंग विद द गवर्नमेंट है। सुनो, माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स 2016 में खाली दो साल में 204 स्कूल्स हम स्टार्ट करें। वो टाइम में हम शॉर्ट टर्म अप्रोच से हम जो रेंटेड बिल्डिंग में लेके हम शुरुआत करें हैं। अभी हम 50 से भी ज़्यादा सा स्कूल्स ओन बिल्डिंग का सैंक्शन हुआ है। 1000 करोड़ बजट भी अलर्ट करें हैं। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का 60% है, स्टेट गवर्नमेंट का 40% है। इसमें ऑलमोस्ट एक 15 स्कूल तो रेडी टू ऑक्यूपाई में है, फाइनल स्टेजेस में है। एंड सम ऑफ दी स्कूल्स हैं हमारे हैदराबाद में, जो स्कूल्स के लिए लैंड का कमी था, उसलिए हम वक्फ बोर्ड को भी हम रिक्वेस्ट करें। वक्फ बोर्ड से भी वेरी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। वक्फ लैंड भी हम टेम्बरीज को देने का अग्रीमेंट होने के बाद वो वक्फ लैंड में भी हम कंस्ट्रक्शन जल्दी से जल्द हम शुरुआत करेंगे। ये वेरी डिफिकल्ट पीरियड था लास्ट दो साल, बिकॉज ऑफ पैंडमिक की वजह से क्लोज डाउन है, ऑनलाइन क्लासेस में चल रहा था, कई बच्चे के पास स्मार्टफोन नहीं था, अटेंडेंस भी बहुत कम था। अभी दो साल के बाद हम रीओपन करें हैं। कई बच्चे, इसमें अफसोस का बात है, बच्चे ड्रॉप आउट हो गए, शादियां कर लिए, छोटे छोटे कामों में फैमिली के प्रेशर की वजह से काम में ड्रॉप आउट हो गए। ये बच्चों को मैं फिर भी गुजारिश करता हूँ, ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आज माइनॉरिटी स्कूल्स में बच्चे IIT बन रहे हैं, डॉक्टर्स बन रहे हैं, MSET में 300 बच्चे क्लियर कर रहे हैं, IIIT में जा रहे हैं। अभी हम सेंटर ऑफ एक्सलेंस भी खोल रहे हैं, बच्चों को सिविल सर्विस का कोचिंग भी हम दे जाएगा। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ऐसा एक स्कूल कहीं भी आपको, मेरा रोल उतना बड़ा नहीं है। पहले ये होल क्रेडिट गोज टू आवर हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर KCR साहब, बिकॉज वो उनका विजन है, उनके विजन से हम स्टार्ट करें। इसमें हमारे AK खान साहब रहेंदे, हमारे जो टीम, हमारे अच्छा सा कमिटेड टीम हमको मिला था, डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स रहेंदे, प्रिंसिपल्स रहेंदे, हेड ऑफिस में जो मेरे ऑफिसर्स हैं, इन लोगों ने भी ज़्यादा सा हार्डवर्क करके आज सक्सेसफुली माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स कायम करे हैं। आज तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स में, माइनॉरिटी एजुकेशन में एक रोल मॉडल बन गया दूसरा स्टेट्स को, दूसरा स्टेट्स में रिसेंटली वेस्ट बंगाल से भी कई लोग आके हमारे स्कूल्स को इंस्पेक्ट करें। फ्यूचर में तमिलनाडु से भी एक डेलीगेशन आने वाला है। सो आज का दिन तेलंगाना स्टेट एक रोल मॉडल बन गया माइनॉरिटी एजुकेशन। अलनूर बिरयानी हाउस मोहम्मद तौफीक अली साहब की जानिब से पीली दरगाह के सामने सलाला बारकस पर अलनूर बिरयानी हाउस, यहाँ पर आपको दम बिरयानी, चिकन बिरयानी और भी काफ़ी सारे डिशेज दस्तियाब हैं। फैमिली और लेडीज के लिए अलग सेक्शन मुनक्किद किया गया है।
कॉन्टैक्ट नंबर है 7989845141 और 9700785। फर्स्ट स्टेप टावर जलपाली मेन रोड पर G+6 जहां पर आपको 24 घंटे पानी की सहूलत है, फ्री वाईफाई 3 साल के लिए और लिफ्ट की भी सहूलत दी गई है। बुकिंग करने के लिए कॉन्टैक्ट करें 9063570926।